केन्द्र और राज्य सरकार स्वच्छ अभियान कोटि कोटि टंका खर्च करने सह सचेतनता कार्यक्रम जारी रखिंट हेले मयूरभंज जिलार रायरंगपुर पौराल तरफ यार व्यतिक्रम देखा मिली। सूचनाजोग्य जे रायरंगपुर पौराल 6 नंबर वार्ड भूतगली रास्ता सारा बाली और मेटाल पड़ रही। एथस तो ना और नर्दमा गुड़िक पोतिगला सेपटे पीएचडी ठिकादार गात खोली 6 मास कम को अधापंतरिया रखिंट जहाक नहीं साहिवासी पीएचडी विभाग और पौराल विभाग को बारंबार जनईले एथप्रति कर्णपात करूना। तेबे ही रास्ताटी एक जनगहलीपूर्ण रास्ता होइथिबारु लोकमाने जिबा आसिबारे असुविधा भोगिबा सह दुर्घटनार शिकार हेउथबा मध्य देखिबाकु मिलुछि। तेणु तुरंत एही रास्ता सफा सुतुरा और नाळ नर्दमा को सफा करिबा पई साहिबासी माने दाबी करिछन्ति। हमारे यहाँ का ड्रेन बहुत खराब है, मतलब इधर सफाई नहीं हो रहा है। पूरे 6 महीने हो गए यहाँ पे, इतने मच्छर आते हैं और अभी कोविड के टाइम पे तो और प्रॉब्लम। वहाँ पे भी बहुत सारी गंदगी है, कोई खिड़की नहीं खोल पाते, अपने घर से अच्छे से निकल नहीं पाते, इतनी गंदगी है। यहाँ पे चलने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। म्युनिसिपैलिटी को बार बार बोलने पर भी कोई असर नहीं हो रहा है, इसलिए हम उनसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि प्लीज़ यहाँ पर ड्रेन सब सफा करवाए ताकि हम लोग भी अच्छे से रह पाए और इस कोविड के टाइम पे हम लोग को भी प्रॉब्लम ना हो। एपरिक रायरंगपुर पौराल तरफ विभिन्न वार्ड में मशा तेल और ब्लीचिंग पाउडर पका जा नथुबा वार्डवासी माने कहिछंती। काहेकि ना वर्तमान कोरोना महामारी संक्रमण समय रे एही परि अवस्था लोकों को अधिक भयभीत करिछि। तेणु एभली समय रे पौराल तरफ स्वच्छ अभियान प्रति ध्यान न जीवा पौराल पारिपणिया उपरे प्रश्नवाची सृष्टि करिछि। वार्ड नंबर 6 रे विगत 3-4 मास कौनसी भी साफ सफाई होनी ना, नाली साफ हो ना, ब्लीचिंग करुच्छे ना, मशा तेल पड़ू ना, सुपर मैंने टाइमली कौन भी कम कर म्युनिसिपैलिटी जे अच्छा आम एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तुमको भी 23 तारीख दिन मुझे फोन में जनईली कि सर आसिक देखु कौन असुविधा अच्छी ना देखुं ना करूँ। मो ये कोविड समय चाहूनी कि मो परिवार सह अन्य कौन सी परिवार लोक क्षति हूँ। मुझे कृपा करके आउथे आपण को जनाऊँगी जिते शीघ्र हो वार्ड नंबर 6 गली रास्ता घाट सब भल मंद देखिक सुंदर करके साफ करूँ जोटारु लोक कोविड द्वारा परेशान हेबे न। सप्ताह में एक दिन आता था सफा करना है ये वार्ड में। मयूरभंज जिला रायरंगपुर अक्षय विश्वाल रिपोर्ट कोणार्क लाइव।